आज हम बनाएंगे आम का आइसक्रीम। आम का आइसक्रीम बनाने के लिए एक आम लिए हैं, उसको अच्छी तरह से काट लेंगे, उसका छिलका उतार के पीस लेंगे। आम को अच्छी तरह से पीस लिए हैं। बाउल में आइस लेंगे, उसमें ऊपर से मिक्सिंग बाउल रखेंगे, उसमें व्हिपिंग पाउडर डालेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच, ना ही दूध डालेंगे चिल्ड दूध, दो चम्मच आइसिंग शुगर डालेंगे, दो चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे, अमूल का क्रीम डालेंगे, दो बड़ा चम्मच अमूल का क्रीम डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पीसा हुआ आम डाल देंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बूंद वेनिला एसेंस, अब कलर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, हम कलर नहीं डाले हैं। इसमें डालेंगे कटा हुआ पिस्ता और चॉप किया हुआ मैंगो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह का कंटेनर लिए हैं, दस से 12 घंटा फ्रीजर में रखेंगे।
10 से 12 घंटा फ्रीजर में रखेंगे। 10 से 12 घंटा हो गया है, मेरा आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गया है। देखिए इसको प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छी तरह से इसको निकाल लिया है। पीस काट देंगे इसको इस तरह से, पीस इसको करके काट लिए। कितना अच्छा से जम गया है आइसक्रीम। अब इसको पे थोड़ा सा कागजी बादाम डालेंगे, गार्निश काटेंगे, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा काजू, कटा हुआ काजू, बनके तैयार हो गया आम का आइसक्रीम।